कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। एक चीज याद रखिएगा बाबू, आप सबको कहते हैं इस दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए, पूरा मेहनत जबरदस्त कीजिए। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जितने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा, करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी पर। आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि उसको सुनने के बाद आप सब बहुत मोटिवेट हो जाने वाले हो, क्योंकि मुझे खुद देखकर सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को कि ये चीज़ें, ये विचार, ये बात मैं आप सबसे साझा करूँ। अमूमन आप लोग को पता भी होगा मैं बात कर रही हूँ इसकी, आउटलुक जो पत्रिका है उसका जो नया विशेषांक आया है, आप सब देख सकते हैं इस विशेषांक का जो कवर पेज है, मुझे लगता है आप सभी इन चेहरों से परिचित होंगे। अब मेरा मोटिवेशन का आधार क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आउटलुक जो पत्रिका है वो अब तक मानी जाती थी कि सेलिब्रिटीज़, अभिनेता, नेता या फिर बिजनेस पर्सन, इन सबको उसने हमेशा अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो काफ़ी हट के हुआ है। वो इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद टीचिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे लिए और प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि ये सभी टीचर हैं अपने अलग अलग फील्ड के टीचर्स हैं जो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। हम सब आप इनसे परिचित होंगे। इन सब में जो एक कॉमन बात रही है वो ये कि ये कंटिन्यूसली कहीं से स्टार्ट किए और लगातार अपना काम करते रहे हैं, बिना किसी प्रोपेगेंडा क्रिएट किए, बिना कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज लिए। केवल एक चीज़ जो इन्होंने की है वो है कि निरंतर अपना काम करते रहना। और किस तरह ये आज आप सबके, हम सबके हीरो बन गए हैं, ये एग्जांपल ही है आउटलुक पत्रिका के कवर पेज पर आ जाना। तो मुझे लगता है आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपना मेहनत लगातार करते रहेंगे अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, टीचर्स बनना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, कोई अलग से झंडे नहीं गाड़ने। आपको क्या करना है, आपको करना है बस अपना लगातार जो काम है ना, उसको आप ईमानदारी से अच्छे से निरंतर करते रहेंगे, तो यकीन मानिए आउटलुक पत्रिका के कवर पेज पे हो ना हो, आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होंगे। और जैसे आजकल हमारे लिए ये रोल मॉडल हैं, वैसे आप भी अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे। तो मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला और मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकी, मैं आप सबसे ये मोटिवेशनल बातें साझा करूँ। आप सभी मोटिवेट होइए, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं मोटिवेशन के लिए, तो मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेट्स।